एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन फॉर्म बनाना सीखा था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म तो बनकर तैयार है, लेकिन हम इनके अंदर जो भी वैल्यूज़ इनपुट करेंगे वो हमें हमारे पास रहेंगी PHP के अंदर। अब जो मेन बात ये है कि ये जो वैल्यूज़ जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सारी की सारी फील्ड के अंदर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो PHP एक क्वेरी लैंग्वेज के जरिए, वो होती है SQL या फिर वो MySQL हो सकती है, उसके जरिए फिर उसको डेटाबेस में लेकर जाती है, ठीक है। चाहे आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, या किसी भी तरह का ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इस तरह की फील्ड्स में जो हम वैल्यूज़ भरते हैं, जैसे ही हम सबमिट या सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है पहले वो कैप्चर होती है एक सर्वर लैंग्वेज में जो हमारे पास है PHP, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो नीचे से फील्ड के हमने नाम रखे हुए थे नीचे, ठीक है, कंट्रोल्स के नाम रखे हुए थे। जैसे ये इनपुट ANO है, इसका नाम रखा हुआ था पहले, जिसके अंदर हम ये जो आधार आधार फील्ड है ये जो बनी हुई है यहाँ पे ग्राफिकली, इसका नाम ANO रखा हुआ है, इसका नाम SName रखा हुआ है, इसका DOB रखा हुआ है ना। तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो बाई नेम हम इनको कॉल करते हैं, और वैल्यूज़ को PHP में हम वेरिएबल के अंदर होल्ड कर लेते हैं। अब हमारा अगला मेन काम रहता है कि इन वेरिएबल्स के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उनको किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करें, ठीक है। तो इसके लिए हम अब पढ़ते जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, RDBMS, ठीक है। RDBMS कॉन्सेप्ट एंड MySQL, उनको बोलते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिनके अंदर हम सारा का सारा डाटा स्टोर करते हैं, जहाँ से हम ऑनलाइन चीज़ों को अपलोड करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं या फिर सबमिट करते हैं या फिर उसको फेच करते हैं। तो ये काम होता है फिर डेटाबेस के अंदर फिर स्टोरेज वाला, तो वो करते हैं हम SQL या फिर MySQL से, ठीक है। तो ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो MySQL यूज़ होती है। हम SQL क्वेरीज भी सीखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर जो है SQL क्वेरीज का भी दिया हुआ है और MySQL का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के, सबसे पहला एक डेमो है यहाँ पे देखो। जैसे ये मान लो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, हमने भर दिया, जैसे हमें हमने बनाया हुआ ना स्टूडेंट के लिए, आधार नंबर डाला, पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, इन फील्ड्स के अंदर वैल्यू भर दिया, और जैसे ही हमने नीचे जाके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक किया तो हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो चली जाती हैं डेटाबेस के अंदर। अब PHP क्या करती है, क्लिक करने के बाद तो पहले PHP उठाती है और PHP फिर SQL की मदद से उसको डेटाबेस के अंदर लेके चली जाती है। और जो ज़्यादातर हम डेटाबेस यूज़ करते हैं वो ओरेकल हो गया या SQL सर्वर हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारा MS ऑफिस के अंदर भी आता है, ये एक डेटाबेस है MS एक्सेस जो है, ठीक है। इसके अलावा हम MySQL भी यूज़ करते हैं, MySQL वो भी एक डेटाबेस है, ठीक है। ओरेकल यूज़ करते हैं, ओरेकल डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसका वाइडली यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमारा सारा डाटा इन डेटाबेसिस के अंदर जाता है। अभी पीछे जो है जो चाइनीज़ एप्लीकेशन चली हुई थी वो बंद कर दी गई, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो सारा का सारा कहाँ पे जाता था, वो पहले चाइनीज़ डेटाबेस के अंदर, फिर चाइनीज़ डेटाबेस से वो फैच होके हमारे पास आता था। तो हमारी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी डेटाबेस के अंदर चली जाती है। तो डेटाबेस में से तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ भी हो सकता है, मिसयूज़ भी हो सकता है। लेकिन हमारा काम है आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वेबसाइट में से किस तरह से हम किसी एप्लीकेशन में से डाटा को डाटाबेस के अंदर भेजते हैं, तो उसके लिए हम स्टडी करने जा रहे हैं SQL MySQL, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है चैप्टर का कि व्हाट इज अ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम होता क्या है, ठीक है, डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। अ डेटाबेस सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच कंटेन मोर देन वन टेबल्स, क्लियर है। तो डेटाबेस सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है जिसे कंप्यूटर के अंदर डाला होता है, ठीक है, विच कंटेन मोर देन वन टेबल, जो एक से ज्यादा टेबल्स को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर ऐसा नहीं कि एक ही टेबल बनता है, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स बन सकते हैं, ठीक है। जैसे टेबल होते हैं ना इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वैसे ही डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। ऑल द डेटा स्टोर्ड इन टू ए टेबल इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स और टेबल्स के अंदर बनी होती हैं रोज और कॉलम्स। तो ऑल द डेटा स्टोर्ड इन टू ए टेबल इन रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो भी डाटा स्टोर होता है टेबल में वो रोज और कॉलम्स में होता है
फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. ऑनलाइन जितनी भी तरह तरह की एप्लीकेशन हैं उनमें से दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, जिसको हम इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं. तो हमारी जो इंटरनेट के इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी कहाँ से निकल के आती है? वो डेटाबेस से निकल के आती है और डेटाबेस के अंदर ही चली जाती है. ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द डाटा. तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है सबको मैनेज करने के लिए. ठीक है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक जैसे हम कंप्यूटर में भी बनाते हैं ना, अकाउंट्स बनाते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है और बाकी यूजर अकाउंट होते हैं. तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास फुल पावर होती है. तो यहाँ पे DBA वही चीज़ है कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द डाटा. तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा डिजाइनिंग के लिए भी, क्रिएटिंग के लिए भी और डाटा को मेंटेन करने के लिए भी. ठीक है, सम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर, कुछ एक जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. ठीक है, हम जब मैंने सीखा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर सीखा था और ओरेकल के ऊपर सीखा था. ठीक है, आपके लिए MySQL भी है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी है, तो हम MySQL भी सीखेंगे. ठीक है, तो वैम्प है, वैम्प के अंदर भी ऑलरेडी एक डेटाबेस दिया हुआ, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. तो आई थिंक आपको डेटाबेस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे. टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स होंगे जहाँ पे हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हमने ये बनाई हुई है ऑनलाइन, इनका डाटा जो है सबमिट होके कहाँ पे जाएगा, फिर उन टेबल्स के अंदर जाएगा जो डेटाबेस के अंदर हम बनाएंगे. ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सप्लेन करें, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं. जितने भी ये जो डेटाबेस आ रहे हैं ना लेटेस्ट, इन सबको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, RDBMS है ना पीछे चैप्टर का नाम, तो RDBMS का जो नाम है तो ऐसे रखा गया है फिर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. क्योंकि डेटाबेस में जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो सारा का सारा डाटा जो होता है वो एक रिलेशन में, एक संबंध में स्टोर होता है. ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. तो जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, यानी कि जो डेटाबेस होते हैं वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होता है. ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही होती है उसके अंदर, इन विच जिसके अंदर डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जिसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबल्स के रूप में होता है, और टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स में होता है. ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि टेबल्स के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो रोज और कॉलम्स में होता है. ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो होते हैं. ठीक है, सम कॉमन टर्म्स यूज इन RDBMS आर, इसमें कुछ एक जो टर्म्स हैं वो यूज की होती हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले है कि रिलेशन. ठीक है, अ रिलेशन इज नोन एज टेबल और एंटिटी. ठीक है, जो रिलेशन होता है ना तो उसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं टेबल. टेबल का नाम ये रिलेशन, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि इसमें मल्टीपल रिलेशंस में डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको RDBMS बोल रहे हैं, चाहे वो ओरेकल है, चाहे वो MySQL सर्वर है, ठीक है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है. ठीक है, और एंटिटी भी बोलते हैं. ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी भी बोलते हैं, एक तरह की वो इकाई भी होती है, एंटिटी होती है. ठीक है, टूपल, टूपल इज नोन एज रो और रिकॉर्ड. ठीक है, तो जो टूपल होती है, टूपल को हम रो बोलते हैं और रिकॉर्ड भी बोलते हैं. ठीक है, टेबल में होते हैं ना रोज और कॉलम्स होते हैं, तो पूरे के पूरे टेबल को क्या बोल रहे हैं हम, रिलेशन. और जो टेबल के अंदर जो रोज बनेंगी उनको हम क्या बोल रहे हैं, टूपल. टूपल इज ऑल्सो नोन एज रो और रिकॉर्ड. टूपल को हम रो भी बोलते हैं और रिकॉर्ड भी बोलते हैं. उसके बाद आ गया एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट इज नोन एज कॉलम और फील्ड. अब तीसरा जो है वो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं और फील्ड भी बोलते हैं. तो टेबल में क्या होती है, रोज और कॉलम्स होती हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो RDBMS जो है वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है जिसमें टेबल्स में रोज और कॉलम्स के रूप में डाटा स्टोर होता है. ठीक है, तो ये नाम, इन नाम से भी आ जाता है कि व्हाट इज रिलेशन, तो रिलेशन कंफ्यूज नहीं होना, रिलेशन इज टेबल, व्हाट इज टूपल ऐसे आता है, तो टूपल इज रो, रो है, एट्रीब्यूट इज कॉलम. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर आई थिंक. ठीक है, तो हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, इट प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट फॉर क्वेरी लैंग्वेज सच एज SQL. अब ये पहली इसकी फीचर है RDBMS की, कि इट प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट, इसके अंदर पहले से ही बनी बनाई सपोर्ट है क्वेरी लैंग्वेज की, जैसे SQL है. SQL को ये फुल सपोर्ट करता है, इसके अंदर SQL के जरिए हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, SQL और MySQL के जरिए.
ठीक है, इट हैज़ दी एबिलिटी टू क्रिएट मल्टीपल रिलेशंस एंड एंटर डाटा इनटू देम, ठीक है, इट हैज़ दी एबिलिटी टू क्रिएट मल्टीपल रिलेशंस। अब इसके अंदर जो वो ये एबिलिटी है कि इसके अंदर हम मल्टीपल रिलेशंस बना सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टेबल्स जो हैं हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं एंड एंटर डाटा इनटू देम, और उसके अंदर हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उन टेबल्स के अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसका, इट कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मोर देन वन टेबल्स। इसके अलावा इसकी फीचर ये है कि इट कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मोर देन वन टेबल्स। इसके अलावा ये भी है कि हम उस इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं जो एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। जब हम डाउनलोड करते हैं ना किसी चीज़ को, फाइल को, म्यूजिक को, फिल्म को करते हैं ऑनलाइन डाउनलोड, तो वो मतलब है कि उन डेटाबेसिस से, उन डेटाबेस में वो जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो टेबल्स के अंदर ही होती हैं, और टेबल में से वो इन्फॉर्मेशन को हम फैच भी कर सकते हैं। तो ये RDBMS की ये भी एक फीचर है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, सपोर्ट DDL, DML, DCL, TCL ऑपरेशन। इसके अलावा जो है ये इन सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, जिसमें DDL है, DML है, DCL, TCL, ये आगे आएंगी। पूरा का पूरा चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट है, DDL, DML, DCL और TCL का। DDL होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और TCL होती है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये एक एक करके आगे चैप्टर में, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा, हर एक चीज़ समझ आएगी आप लोगों को कि ये टेबल्स जो हैं बनते कैसे हैं, ठीक है। ग्राफिकली भी ये टेबल्स क्रिएट होते हैं, डेटाबेस बनता है, और इनको हम कमांड के जरिए करते हैं, पेपर में जो आती है आपको कमांड्स ही आती हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो मेन ओरेकल है, हमारे लिए जो डेटाबेस दी है वह स्टडी करने के लिए वो ओरेकल है। तो ओरेकल जो है एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओरेकल इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन। सो अलग अलग तरह के वर्जन में अवेलेबल है, जैसे कि ओरेकल 8 है, ओरेकल 11g एक्सप्रेस एडिशन है, ठीक है। तो मैंने ओरेकल 8 सीखा था, आप लोगों को मैं ओरेकल 11g एक्सप्रेस एडिशन के ऊपर सिखाऊंगा, ठीक है। हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटाबेस रहेगा ओरेकल, ठीक है, तो हम इसके अंदर SQL को यूज़ करेंगे। उन एप्लीकेशन में से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन एप्लीकेशन में से जो हम डाटा लेके जाएंगे, पहले तो हमने उसको PHP में डाल लिया है वेरिएबल्स के अंदर, अब PHP से उस डाटा को लेकर जाएंगे हम SQL के जरिए, और SQL जो है वो लेके जाएगी ओरेकल के अंदर, ठीक है। ओरेकल एक डाटाबेस है, उसके अंदर लेके जाएगी वो, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी ओरेकल की, क्या है, फर्स्ट है लार्ज डाटाबेस एंड स्पेस मैनेजमेंट कंट्रोलर। डाटा ये जो है ओरेकल एक बहुत बड़ा डाटाबेस है, और उसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, और उसको हम मैनेज करने का भी इसका जो कंट्रोल है वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, इसलिए हम ओरेकल को यूज़ करते हैं। अब ओरेकल के अलावा हम बैम्प भी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी एक डाटाबेस आपको दिखाऊंगा जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। MySQL नाम है उसका, उस डाटाबेस का, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट SQL क्वेरीज को और टेबल्स क्रिएट करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीखने के लिए तो ओरेकल है आपके लिए कॉन्सेप्ट, इसलिए ओरेकल में आपको सिखाऊंगा मैं पहले। लेकिन वेबसाइट जब बनेगी, तो वेबसाइट जैसे इसके जो कॉन्सेप्ट चलेंगे ना, जो DDL, DML, DML मैं आपको बता रहा हूँ, वही मेन चीज़ है आपके लिए, वहाँ उसके अंदर ही वो कमांड है जो डाटा को लेकर जाएगी PHP में से, ठीक है। तो सेकंड इसकी फीचर है हाई ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। इसकी जो ट्रांजेक्शन की जो स्पीड है वो हाई है, ठीक है, यानी कि डाटा एकदम से निकलता है, एकदम से जाके डाटा जो है वो अपलोड हो जाता है, डाउनलोड और अपलोडिंग जो है वो फास्ट है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ठीक है, हम हर एक टेबल के लिए अलग अलग पासवर्ड की प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो यूज़र को अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्शन पता होगी तभी वो डाटा जो है उसके अंदर भेज सकता है और डाटा को निकाल सकता है। डाटाबेस इंटीग्रिटी, डाटाबेस में शुद्धता। अब देखो इसमें जो है डाटाबेस में शुद्धता वाली एक फैसिलिटी भी है, इसके अंदर हम जो डाटा की जो डुप्लीकेशन है उसको भी रोक सकते हैं। इंटीग्रिटी मतलब शुद्धता को मेंटेन करते रखता है ये, ठीक है, डाटाबेस इंटीग्रिटी है। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये क्लाइंट और सर्वर का एनवायरनमेंट भी है इसमें, क्योंकि क्लाइंट जो है जैसे मान लो हम है, ठीक है, हम डाटा को सर्वर पे भेज सकते हैं, तो ये क्लाइंट सर्वर को सपोर्ट करता है। जैसे सर्वर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बैम्प यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट सर्वर मतलब हमने क्लाइंट साइड से जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है वो बनाई हुई है, सर्वर के अंदर वो पड़ी हुई है, तो उस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को हमारा ओरेकल जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी, अभी इसकी बात करें कंपैटिबिलिटी की, तो हर एक विंडो के ऊपर हम इसको रन कर सकते हैं, विंडो XP है, चाहे विंडो 7 है, चाहे विंडो 10 है या विंडो Vista है, तो ओरेकल को हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं, कंपैटिबल है उसके लिए ये। कनेक्टिविटी, अब सातवीं इसकी जो फीचर है वो है इसकी कनेक्टिविटी, मतलब हम इसको इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, इंटरनेट के जरिए तो कनेक्ट होगा, इंटरनेट के जरिए हम काम करेंगे, तो ये कनेक्टिविटी भी है इसके अंदर, ठीक है। और नेटवर्किंग के ऊपर भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल यूज़र जो है एक कमरे में 20-25 कंप्यूटर का डाटा जो है वो इकट्ठा भी स्टोर करते हैं, एक दूसरे का जो करते हैं हम नेटवर्किंग के जरिए, तो वो काम भी है इसके अंदर कनेक्टिविटी का, इंटरनेट के साथ तो इसको हम जोड़ के रखेंगे ही, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो काम करेगी, आपके पास जो वेबसाइट पहुंचेगी वो नेटवर्क इंटरनेट के जरिए पहुंचेगी, और डाटा जो पहुंचेगा फिर वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए ही पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद एट्थ पॉइंट है ऑब्जेक्ट रिलेशनल फीचर। इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्ट रिलेशनल फीचर्स भी हैं, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब एक पूरा का पूरा कंट्रोल भी बना सकते हैं। अब जो टेबल क्रिएट हो रहा है ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट ही है इसके अंदर, और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी क्या होती हैं, फीचर्स होती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, व्यू, इंडेक्सेस, मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ओरेकल के अंदर। तो ये है इसकी करैक्टरिस्टिक्स, वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 तक ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जहाँ पे हम डेटाबेसिस के जो डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में सीखेंगे, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होती हैं, वैसे ही SQL में भी इसके अंदर वो डाटा टाइप्स होती हैं, उनको हम सीखेंगे, फिर हमारा काम चलेगा फिर डाटा को अपने डाटाबेस में स्टोर करने का, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय हिमाचल।